नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ल्यूकेरिया के बारे में, जिसे सफ़ेद पर्दर या वाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी, यानी महिलाओं में बार बार सफ़ेद पानी होना यानी सफ़ेद पानी की दिक्कत होना, इसी के बारे में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिए, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस वजह से होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट देने चाहिए और क्या क्या हमें परहेज करने चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। अब बात कर ले दोस्तों सफ़ेद पर्दर की, तो होता किस वजह से है दोस्तों, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नॉर्मली, जो कि महिलाओं के वेंजाइना के अंदर हो जाता है, यानी गर्भाशय के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से सफ़ेद पर्दर शुरू हो जाता है, यानी कि वाइट पानी आने लगता है। या कई बार जैसे आप कोई सेक्सुअल फीलिंग वगैरह ले रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, या आप कोई रोमांस वगैरह कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, या आप बार बार बच्चा गिरा रहे हैं, या कोई किट वगैरह, पीटी किट वगैरह, या कोई 72 टेबलेट वगैरह कुछ रेगुलर रूटीन में बार बार यूज कर रहे हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में आप यूज़ कर रहे हैं, तो भी दोस्तों आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात कर ले दोस्तों इसके और क्या क्या दिक्कत आती हैं, किस वजह से होता है। तो नॉर्मली अगर आप भूखे पेट रहते हैं तो उस वजह से भी हो सकता है, अगर आप खाने पीने का प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे, नहीं कि आपकी डाइट का कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे, आप में कोई कमजोरी वगैरह आ रही है तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपको हाइजेनिक, यानी कि आपको साफ़ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी आपको साफ़ सफाई रखनी है अपनी योनि की, प्रॉपरली साफ़ सफाई रखनी है, और प्रॉपरली ही आपको पैड चेंज करने हैं, और किसी प्रकार के बाल वगैरह ज़्यादा ना रखें। अब बात कर ले दोस्तों, कई दोस्तों अफवाह बता रहे हैं, यानी कि गांव वगैरह में कई अफवाह उठती हैं कि ये एक नॉर्मली हड्डियों का पानी है और ये बार बार निकलेगा आएगा, और इसी वजह से औरतें इसका ध्यान नहीं देती, यानी कि औरतें इसका बात पर ध्यान नहीं देती, वो सोचती हैं ये सिर्फ एक हड्डियों का पानी है और ये निकलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये कोई भी हड्डियों का पानी नहीं है, ये एक आपके वेंजाइना यानी कि आपके गर्भाशय में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये पानी आता है। दोस्तों ये पानी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और प्रोटोजोल इन्फेक्शन, इन तीनों से मिलने के बाद, यानी कि आपके गर्भाशय में तीनों इन्फेक्शन हो जाएंगे तभी आपसे शुरू हो जाता है, और ये तीनों मिलकर एक वाइट पानी बनाते हैं, यानी तीनों इन्फेक्शन अगर आपके गर्भाशय के अंदर हो गए तो आपको वाइट पर्दर यानी सफ़ेद पानी आना शुरू हो जाएगा, और ये सफ़ेद पानी आपको बुदबूदार भी हो सकता है, और आपको एक अजीब तरह की स्मेल और एक अजीब तरह का ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात कर ले दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में हमें ओरली किट वगैरह आती हैं जो देते हैं, जैसे कि फास्ट 3 किट, जो मैं आपको किसी प्रोडक्ट को स्पेशली नहीं बता रहा, ना किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा, आप और कोई भी किट यूज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आता है फ्लुकोनाजोल टेबलेट आती है, साथ ही साथ इसमें एजिथ्रोमाइसिन आती है और सेचिनाजोल आती है। अब बात कर ले दोस्तों ये कैसे लेनी है, तो फ्लुकोनाजोल आपको दोस्तों दोपहर को लेनी है, एक टेबलेट खाने के बाद लेनी है, जो कि 150 एमजी की होती है। अब बात कर ले दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन दोस्तों आपको सुबह नाश्ते के बाद ही लेनी है, यानी जैसे ही आपने नाश्ता किया उसके बाद आपको एजिथ्रोमाइसिन लेनी है। एसिटोनाजोल आपको 500 एमजी में मिलती है, आप ये शाम को खाने से एक टेबलेट पहले या एक टेबलेट खाने के बाद ले सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो आप दोनों टेबलेट खाने के बाद, यानी पूरा आप 1000 एमजी खाने के बाद भी ले सकते हैं। अब बात कर ले दोस्तों और भी कुछ यूज होते हैं इसमें, जैसे आप क्लोट्रिमाजोल स्पोस्ट्रीज वगैरह दे सकते हैं, जो कि वेंजाइना के अंदर रखी जाती हैं, जो एप्लीकेटर होता है, यानी कि एक एप्लीकेटर होता है जिसकी वजह से वेंजाइना के अंदर, यानी कि आपकी योनि के अंदर रखी जाती है, वो ले सकते हैं, जिसमें आप क्लिंडामाइसिन या लैक्टिक एसिड वगैरह होते हैं उसमें। अब बात कर ले दोस्तों या इसमें और क्या यूज करना चाहिए, तो आप दोस्तों ल्यूकोल टेबलेट आती है हिमालया की, जो कि सबसे बढ़िया रिजल्ट है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ कई बार डॉक्टर ये आपकी पत्नी पत्नी के साथ साथ आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ को दोनों को दे सकते हैं, दोनों को ये किट दे देंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।